चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी वेट लॉस रेसिपी। तो करना क्या है, एक पैन रख देना है गैस पर, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो पानी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। तो ये मैंने 4-5 तरह की सब्जियाँ ले ली हैं। कई बार क्या होता है, फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ बची रहती है, तो वो सब आप ले लीजिए सब्जियाँ आप, और इनको इस तरीके से बारीक बारीक काट लीजिए। और अभी मैं यहाँ पर एक टमाटर भी डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन सब्जियों में मैंने जैसे लिया है प्याज, टमाटर, मटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और थोड़ा सा बैंगन भी रखा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। एक आंवला भी रखा था, वो भी मैंने इसको काट कर इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी 5-6 तरीके की सब्जियां ले लीजिए। एक बार अच्छे से चला लेते हैं। वेट लॉस की ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसे अगर बीच बीच में ट्राई करोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे होता है, देखो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे अभी दिवाली गई है, तो कमेंट्स में मुझे बताना किस किस का थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और ये काली मिर्च। काली मिर्च वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसे आप ज़रूर डालें। थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो 3-4 मिनट में ही अच्छी तरीके से पक जाएगा। सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। 3-4 मिनट हो गए हैं तो सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर ये मैंने 1/4 कप ओट्स लिए हैं प्लेन वाले, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है, तो 5-6 मिनट इसको कुल लगेंगे। तो इस तरीके से आप बनाओ, और वेट से आप परेशान हैं तो इस तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो 2-3 दिन में एक बार आप इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम आप इसे खा सकते हो। वेट लॉस रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सी वेट लॉस रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। हरे धनिए से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, और बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत ही बढ़िया आपको लगेगी। और साथ में आप ये मसाला छाछ भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें अभी नमक डाल दिया है, डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही हेल्प करती है वेट लॉस करने में। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ मिसिंग है इसमें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं वेट लॉस की और भी रेसिपीज़ डालूं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये मसाला ओट्स बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।